और अरफात के दिन जितना शैतान जलील होता है इतना किसी दिन भी जलील नहीं होता। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिन हज का, अरफा का जोर असर कट्ठी पढ़ के फिर सारा दिन शाम तक कोई 5-6 घंटे मुसलसल दुआ मांगी। और आपने फरमाया कि इस वक्त मेरा अल्लाह मेरे सहाबा पे फ़ख्र फरमा रहा है और कुर्बान जाऊँ ख़त्ताब के बेटे पर, फरमाया और उमर बिन ख़त्ताब पे इस वक्त मेरा अल्लाह ख़ास तौर पे खुश हो रहा है और ख़ास तौर पे उमर बिन ख़त्ताब पे अल्लाह ताला फ़ख्र फरमा रहा है। तो इन 10 दिनों में जिसे अल्लाह हज मुयस्सर फरमा दे तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं। हज मुयस्सर नहीं है तो फिर इन 10 दिनों में नौमी का रोज़ा रखना, इन 10 दिनों में रोज़े रखना, इसमें नवाफिल की कसरत, सदक़े की कसरत, फिर क़ुरबानी, ये सारे आमाल इन 10 दिनों में इंतहाई महबूब हैं। जिन्हें अल्लाह सादत दे दे हज की बार बार जाएँ, ताबिउ बैनल हज वल उमरा, हज उमरा आगे पीछे करो आगे पीछे करो। एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कहता है कि एक दफ़ा फ़र्ज है उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं। मैं कब कहता हूँ कि ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी का मतलब है फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल को पसंद है कि उसके घर बार बार आया जाए, बार बार हाज़िरी दी जाए। अल्लाह के नबी को तो आखिर उम्र में जाके मौका मिला, उसके बाद आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अगर आप बाकी अगर आप इसके बाद ज़िंदा रहते तो यकीनन आप ज़रूर हज करते, चूँकि आपने जितने साल मक्का में गुजारे आपने हर साल हज की, नबूवत के ऐलान से पहले भी और नबूवत के ऐलान के बाद भी आपने मुसलसल हज की। और 4 उम्रे आपने फरमाए ज़िंदगी में, 4 उम्र, एक उम्रा मदीना से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए जिसको हम सुलह हुदैबिया कहते हैं, वो हो नहीं सका, लेकिन आपने वहीं उम्रे का काम पूरा किया, सर मुड़ाए, एहराम खोले, फिर अगले साल आप उसकी कज़ा के लिए तशरीफ़ लाए, फिर एक उम्रा आपने फ़तह मक्का के बाद जर्राना से एहराम बांध के तशरीफ़ लाए और उम्रा किया, और एक उम्रा आपने अपने हज के साथ किया। सिद्दीकी दौर में पहला साल जंगों में गुजर गया, दूसरे साल सिद्दीक अकबर अपने पूरे साथियों के साथ हज पे तशरीफ़ लाए, फारूकी दौर में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला 10 साल हुकूमत की, 10 साल हज किया, हर साल हज पे तशरीफ़ लाए, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी खिलाफत के दौर में जब तक अमन रहा हर साल हज करते रहे, जब फसाद शुरू हुआ तो आबरू के उसमें शहीद हो गए। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मौक़े नहीं मिला, जंगों में ज़िंदगी गुजर गई और उसी में आप अल्लाह पाक की बारगाह में पहुँच गए। तो लेकिन बाकी 3 साथियों की खिलाफत के दौर में आपने बकसरत हज और उम्रे किए। तो दीन के किसी अमल को यूँ कहकर हल्का नहीं बनाना चाहिए कि इसकी क्या ज़रूरत है, इतना पैसा खर्च करते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, किसी गरीब को दे दिया जाए, ये इस तरह तकबल नहीं करना चाहिए कि अल्लाह के घर की हाज़िरी को इतना हल्का नहीं समझना चाहिए। मेरा अल्लाह बुलाए तो बार बार जाना चाहिए, और जिसको अल्लाह तौफीक दे उम्रे पर जाए, हज पर जाए, हाँ गरीबों पर भी खर्च करे, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करे, ज़रूरतमंदों पर खर्च करे, लेकिन अल्लाह के फजल से उम्मीद है जो इस तरह अल्लाह के घर जाने पर खर्च करते हैं तो अपने अल्लाह के फजल से गरीबों पर भी खर्च करते हैं। इसको आपस में यूँ इसका मुकाबला नहीं करना चाहिए, चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है।